हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप व्हाट्सएप को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। अगर आपके पास एक पुराना मोबाइल है बहुत पहले से और आप पुराने मोबाइल में वो व्हाट्सएप चला रहे थे, तो उस मोबाइल में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऑडियो, बहुत सारे फ़ोटो, बहुत कुछ होगा। तो आप चाहते हैं कि एक भी चीज़ डिलीट ना हो, वो सारा का सारा मैसेजेस, सारा का सारा चैट, सारा का सारा सब कुछ इस मोबाइल में, नया वाला मोबाइल में आ जाए। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी मोबाइल आपके पास है यानी जो मोबाइल आपके पास पहले से है, तो उस मोबाइल का व्हाट्सएप आपको ओपन करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका व्हाट्सएप हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा चैट्स का, तो आपको चैट में क्लिक करना होगा। चैट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चैट बैकअप, तो आप चैट बैकअप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देखिए बैकअप का ऑप्शन आ गए हैं, तो आप बैकअप में क्लिक कर दीजिए। बैकअप में क्लिक करने के बाद ये बैकअप लेना स्टार्ट हो जाएगा और जितना भी मैसेजेस, जितना भी चैट, जितना भी वीडियो है, सब कुछ आपको बैकअप में आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बैकअप अब कंप्लीट होने वाला है। शायद आप यहाँ पर परसेंटेज देख सकते हैं, यहाँ पर 100% हो चुके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप का बैकअप यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंक्लूड वीडियो। अगर आप चाहते कि हमारे मोबाइल में वीडियो सहित आ जाए, तो आप इसे टिक कर दीजिए। आपके पास ये अनटिक होगा तो आप इसे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना होगा। जो भी आपके मोबाइल में है फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर, तो आप उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आप फ़ोन स्टोरेज में आइए। फ़ोन स्टोरेज में आने के बाद आप यहाँ पर व्हाट्सएप फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप फोल्डर एक होगा, तो यहाँ पर है ये व्हाट्सएप फोल्डर, तो इस फोल्डर को हम सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाते हैं मोर का, तो आपको मोर में क्लिक करना होगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंप्रेस, तो आपको कंप्रेस में क्लिक करना है। कंप्रेस में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप डॉट zip, इस प्रकार से आपको टाइप करना है व्हाट्सएप डॉट zip यानी जिप। अब आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पर कंप्रेस में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहां पर देखिए, आपका जो व्हाट्सएप फोल्डर था वो एक छोटा फोल्डर बन जाएगा। तो यहां पर कंप्रेसिंग में यहां पर थोड़ा समय लगेगा, आप जितना पहले से व्हाट्सएप चलाते होंगे, जितना व्हाट्सएप आपका पुराना होगा उतना समय लगेगा आपको, तो आप यहां पर कुछ देर वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फाइल यहाँ पर कंप्रेस हो गए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप डॉट zip यानी जिप आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मोर में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रीनेम में क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रीनेम, तो आपको रीनेम में क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक jpg हटा देना है और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उस एप्लीकेशन का नाम है फाइल्स गो। ये एक गूगल का एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूँ फाइल्स गो। आपको ये एप्लीकेशन आपको अपने दोनों मोबाइल में इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइल्स है और यहाँ पर फाइल्स है, तो आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। आप दोनों मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और आप दोनों मोबाइल में इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फाइल्स एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रिसीव में क्लिक करना है, रिसीव में क्लिक करना है और आप इसे अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ गए हैं, तो आप नाम सेलेक्ट कीजिए। ये मेरा नया मोबाइल है, नया मोबाइल में आपको रिसीव करना है और आपको पुराने मोबाइल में आपको सेंड करना है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो अब आपको यहाँ पर आना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का, तो आपको डॉक्यूमेंट में आना है। और डॉक्यूमेंट में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप डॉट जिप आ चुके हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो मिनट पहले हम इस फाइल को कंप्रेस किए थे, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप डॉट जिप। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेंड में क्लिक कीजिए। सेंड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मोबाइल से ये वाला फोल्डर इस मोबाइल में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैंसिल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको यहाँ से बैक होना है इस दोनों मोबाइल से। अब आपको अपना पुराना मोबाइल कहीं पर साइड में रख देना है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, जब व्हाट्सएप डॉट जिप फाइल आपके मोबाइल में आ जाते हैं, तो आपको ये वाला व्हाट्सएप फोल्डर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। यानी आप व्हाट्सएप ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट में आइए, में आना है। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना है, और आप यहाँ पर स्टोरेज में क्लिक कीजिए, और आप इसका क्लियर डाटा कर दीजिए। क्लियर डाटा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में आना है। उसके बाद आपको अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज यानी फ़ोन स्टोरेज में क्लिक करना है। फ़ोन स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑल फाइल में आइए। ऑल फाइल में आने के बाद आप यहाँ पर सर्च कीजिए व्हाट्सएप। व्हाट्सएप सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आपको एक जिप फाइल मिल जाएगा। जो फाइल आप अपने दूसरे मोबाइल से लिए हैं वो फोल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ भी थोड़ा समय लगेगा, तो आप यहाँ पर कुछ देर वेट कीजिए। उसके बाद ये अनजिप फाइल हो जाएगा। अनजिप फाइल होने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अनजिप हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अनजिप फाइल हो गए हैं। तो अब आप यहाँ से बैक होइए, और बैक होने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोल्डर ऐड हो जाएगा व्हाट्सएप के नाम से। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और आप इस पर क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक कीजिए, और आप सेलेक्ट ऑल कीजिए। उसके बाद आप इसे कट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर व्हाट्सएप में आइए। उसके बाद आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्हाट्सएप फोल्डर बन जाएगा, और इसमें आपको कुछ फाइल मिल जाएगा, जो बैकअप का आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिल जाते हैं। तो अब आपको यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, जो व्हाट्सएप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं। आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। तो पहले आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, और आप अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी नंबर आएगा, तो आप उस ओटीपी नंबर को यहां पर इंटर कर दीजिए। फ्रेंड्स, ओटीपी नंबर टाइप करने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको इसे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने फिर से अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इन सभी चीज़ को अलाउ कर दीजिए। मैं इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूँ, तो उसके बाद आपके पास एक इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर एक लिखा हुआ है रीस्टोर, और एक लिखा हुआ है स्किप। तो आपको यहाँ पर रीस्टोर में क्लिक करना होगा। रीस्टोर में क्लिक करने के बाद आपके पास एक इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं रीस्टोरिंग मैसेजेस। तो उसके बाद रीस्टोर होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपका नाम आ जाएगा, तो आपका प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा। तो आप अपना नाम यहां पर इंटर कर दीजिए, और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखिए, एक इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, और आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप नेवर कर दीजिए और डन कर दीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मोबाइल हमारे उस मोबाइल में था, वो सारा का सारा मैसेज इस मोबाइल में भी आ गए हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं।
अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा दूँ, तो शायद आपको पता होगा रियल मी का जो मोबाइल है रियल मी 2 इसी बीच में लॉन्च हुआ था शायद आज से 4-5 महीना पहले। लेकिन आपको मैं यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कब का मैसेज है। तो यहाँ पर एक नंबर हम ओपन कर लेते हैं, ये वाला माई जियो नंबर, यहाँ पर ये वाला हम ओपन कर लेते हैं, मधुन लिखा है सो, और मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप यहाँ पर देखिए 6 मई 2018, यानी एक साल पुराना ये मैसेज है। और आप आपको तो अब पता चल गया होगा कि एक साल पहले ये मोबाइल लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक साल पुराना मैसेज आ रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये इस मोबाइल से व्हाट्सएप हम इस मोबाइल में रीस्टोर कर लिए हैं। तो आप भी इसी प्रकार से आप एक मोबाइल का व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।